ਅਭਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਫਤੀਰ ਖਾਨ। मस्जिद है यहाँ पे, काफी लोग आके अपनी शादी वगैरह की शूटिंग यहाँ पे करवाते हैं। तो ये देखते हैं अभी हम आ चुके हैं जी मस्जिद वजीर खां के अंदर। तो आप देखें कितना खूबसूरत मंजर है, ऊपर से मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ है, तो हवा ठंडी चल रही है, तो यहाँ आके अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये बंदा सोच सकता है कि यार पिछले ज़माने के लोगों ने इस तरह की खूबसूरत मस्जिद तमीर की है? कितनी मेहनत से सारी तमीर की गई होगी। ये भी एक शाहकार है वैसे, क्या खूबसूरत मनाज़र है। ये जी वजू खाना, यहाँ पे सारे वजू करते हैं, तो ये मस्जिद जी खान का वजू खाना है। यहाँ पे जी उन्होंने सारे टेंट लगाए हुए हैं, तो इसकी वजह से व्यू जो है वो क्लियर व्यू नहीं आ रहा। तो अंदर से ये मस्जिद है, ये ऐसी है जी, यहाँ के कुछ और ही मनाजर है भाई, है अरसलान भाई जी? बिल्कुल, एक कदीम शाहकार हमारे पुराने जमाने का। बिल्कुल, क्या कितनी बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है। अभी चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे जी बड़ा जैसे जी भी फीलिंग आ रही है यहाँ से। अभी हम पहुंच चुके हैं जी ग्रेटर इकबाल पार्क, तो आप देख सकते हैं मेरे साइड पे जी बादशाही मस्जिद शाही किला है। तो क्या खूबसूरत जगह बना दी है उन्होंने। मैं कभी आया था यहाँ पे, बचपन में आया था, नहीं बचपन 2013-14 में भी आया हूँ, तो आज कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये। एक तो मौसम भी अच्छा है और ऊपर से आप देख सकते हैं क्या है। दूसरा जगह जकी भाई, आप तो आते रहते होंगे यहाँ पे? इतना नहीं, बस टाइम मिलने लिए, इसके लिए ना पूरा दिन चाहिए था घूमने के लिए। फैमिली के साथ आया था लास्ट टाइम दिसंबर में। सही से, तब रश बहुत था, तो नहीं आप आज तो रश तो इतना नहीं है, रश भी नहीं इतना, तब गर्मी भी बहुत थी। सही, आज मौसम भी काफी अच्छा। अहसन भाई आप कब आए, कितनी दफ़ा आ गए यहाँ पे? हम एक दफ़ा ही आए थे भाई। कब? लेट नाइट। कब? दो दिन वहाँ पहले। अच्छा, दो दिन वहाँ पहले, लेकिन तब उससे पहले कभी नहीं आए? नहीं, सही, लॉकडाउन की वजह से तब बंद था। नहीं मिली के लिए। तो ये एक तालाब है, ये एक शॉप के फवारे हैं यहाँ पर, रात को चलते हैं। अच्छा अच्छा, डांसिंग फाउंटेन। हाँ, लाइटिंग। तो ये जी डांसिंग फाउंटेन इधर है, ये सारे
क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इधर है इसके सामने। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, सामने से कई दफा गुजरने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि आके अंदरूनी मनाज़िर। सही सही। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके? अभी तो काफी अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह मजीद उम्मीद है कि और ज्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे अंदरूनी मनाज़िर। ये मेरे जी दाई जानिब जो है यहाँ पे मीनार पाकिस्तान, और इधर है जी बादशाही मस्जिद। तो आपको मीनार तो नजर आ रहे होंगे बादशाही मस्जिद के, तो वो आपको मीनार पाकिस्तान भी थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। ये बादशाही मस्जिद और शाही किले की जानिब तो आप देख सकते हैं यहाँ बाजार लगा हुआ है। कोरोना के बाद रश जरा कम हुआ है, लेकिन फिर भी रश काफी है। तो आप देख सकते हैं गुड़िया बेची जा रही है, बैग दिखाएं नहीं भाई, ये देखें, ये देखें पंखे वगैरह, पंखियाँ, हैंडमेड फैन, जो जितना भी आपको डेकोरेशन का सामान चाहिए, जूतियाँ, सब कुछ ही यहाँ पे बाजार एक लगा हुआ है। तो अभी हमारे सामने गेट आ चुका है जी बादशाही मस्जिद का, रश कम है, कोरोना के बायस अभी रश कम है। कुछ मौसम खराब है इस वजह से? मौसम तो प्यारा है, खराब तो नहीं है। नहीं, बस बाहर निकलने वाला नहीं है ना, फैमिली के साथ बाहर नहीं आ सकते इस मौसम में आप, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। ये तो है। शाही किला में हम एंट्री कर चुके हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे। लोगों ने अपने नाम लिखे हैं यार, दोबारा घोड़ा भी चढ़ाना है। अभी जी कोरोना के बाद मैंने मास्क पहन लिया है और जलील हो रहे हैं जी शाही किले में। तो ये तालाब देख रहे हैं शाहजहां का, जहाँ पे नहाता था ये शाहजहां। अभी जी बस हो गई है शाही किला घूमते घूमते, मौसम तो अच्छा है लेकिन साथ हबस भी हो चुका था, तो बस हो गई, गर्मी से थक गए हैं, सुबह 4:30 से उठे हुए हैं। तो अभी चल चल के बस हो गई, अभी हम जा रहे हैं। चलो जी, अब बादशाही मस्जिद का प्रोग्राम हमारा, बादशाही मस्जिद जा रहे हैं।